हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त समीर और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल समीर ग्राफिक्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इस तरह का शानदार बैनर 3D लुक में मैनिपुलेशन किस तरह से आप एडिट कर सकते हैं, वो भी कुछ मिनटों में। तो दोस्तों, आज की वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि मैं आपको एक एक करके इसके बैकग्राउंड्स और किस तरह से मैंने इसमें एक एक चीज़ ऐड की है, इफ़ेक्ट कैसे दिए हैं, लेंस किस तरह से इस्तेमाल की है, सब कुछ दोस्तों बताने वाला हूँ डिटेल में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें इस तरह का एक पेज ले लेना है और उस पर हमें इस तरह से एक बैकग्राउंड पुट कर देना है। बैकग्राउंड लेने के बाद दोस्तों, हम जो फोटो इस पर लेने वाले हैं उन सबको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने ये सब फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है। और हाँ दोस्तों, आप जो इस फोटो को देख रहे हो, मैंने पहले से इसे कटिंग करके रखा है, फेदर दे के रखा है और दोस्तों मैंने इस पर सभी इफ़ेक्ट लगा के ऑलरेडी रख दिए हैं, जैसा कि आप इन फ़ोटोज़ में देख सकते हो। तो ये मैंने कैसे किया है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो जल्दी बना दूंगा। इसके लिए दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाला ट्यूटोरियल मिल जाए। तो चलिए, मैं फटाफट इन फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर पुट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इन्हें पुट कर दिया है और फटाफट चलिए मैं इन्हें अच्छे से उनकी जगह पर सेट कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको अपने अकॉर्डिंग सारे फोटो सेट कर देना है। तो दोस्तों, जो चेयर पे मॉडल हमारा बैठा है उसके नीचे कुछ हमें इस तरह से कुछ चाहिए नीचे बैकग्राउंड रखने के लिए, स्ट्रेट रोड वगैरह कुछ। तो इसके लिए मैंने इसका यूज़ किया है, जैसा कि आपने भी देखा कि मैंने बैकग्राउंड में से कुछ ऐसा स्ट्रेट एक ज़मीन का टुकड़ा उठाया और उसे इस तरह से मैंने एक मॉडल के नीचे जो बर्थडे बॉय इसके नीचे मैंने उसे सेट कर दिया। और अब दोस्तों, मैं इसे आजू बाजू से फेदर दे देता हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और हमें ज़्यादा दिखाई ना दे। और इसकी मैं थोड़े लेवल चेंज कर देता हूँ। तो चलिए, अब मैं एक फोर्ट का एक PNG ले लेता हूँ जिससे कि हमारे बैनर में और जान आ जाएंगे। ये भी मैंने रेडी करके रखा है, इसे मैंने इफेक्ट दिए है दोस्तों और इसे मैंने PNG करके रखा हुआ है। तो चलिए, इसे मैं इसकी जगह पर अच्छे से सेट कर देता हूँ ताकि इससे थोड़ा हमारे बैनर में एक नई शान खुल जाए। और दोस्तों, हमारा जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के लिए मैंने इस किले को ऑलरेडी PNG करके रखा हुआ है। दोस्तों, ये PNG नहीं है, ये JPG फाइल है जिसे मैंने ऑलरेडी PNG करके रखा हुआ है। तो मैं इस तरह से इसे बैकग्राउंड में बड़ा कर देता हूँ और इसे ओवरले कर देता हूँ ताकि हमारे बैकग्राउंड से ये मैच हो जाए। और थोड़ा सैचुरेशन में बैकग्राउंड को बढ़ा देता हूँ ताकि हमारा बैनर और भी कलरफुल हमें दिखाई दे। तो चलिए, मैं इसे भी कट कर देता हूँ। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो हम ले लेते हैं इस पंछी को और इसे इस किले के पास में ऐड कर देते हैं ताकि हमें दिखने में ऐसा लगे कि भाई ये जो पंछी है ये हमारे किले के पास से उड़ रहा है। तो इसे कट कर देते हैं। और लेकर आते हैं हम जो बर्थडे बॉय की जो डेट है उसे हम इसी जगह पर सेट कर देते हैं, कोई एक खाली जगह पर।
थोड़ा बड़े भाई को आगे कर देते हैं और ये जो ज़मीन है इसको बड़ा करके दोस्तों में से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि थोड़ी ज़मीन जो है हमें दिख कर आए। ओके, और इसे भी हम कट कर देते हैं और फिर से हम जाते हैं और इस जो PNG जो मैंने बिजली डाउनलोड की है जिससे कि हमारे बैनर में कुछ और लुक आ जाए उसे हम उठा के यहाँ पर एक साइड में उसे पुट कर देते हैं और इसे स्क्रीन कर देते हैं। चलिए इसे हम एक साइड में इस तरह से ऐड करते हैं ताकि हमारे बर्थडे बॉय का भी चेहरा हमें नज़र आए और ये हमें कुछ नड़े भी ना। तो इस तरह से सेट करते दोस्तों और इसके मैं डुप्लीकेट लेयर बनाता हूँ और उसे इसी के अकॉर्डिंग इसी के सामने से मैं हॉरिजॉन्टल करके सेट कर देता हूँ। तो ये सेट हो गया और जो हमारा चेयर पे मॉडल बैठा है उसके चेहरे पे आ रहा है इसके लिए मैं रिजर लेता हूँ और उसके चेहरे पर जितना भी बिजली का आ रहा है उसे मैं कट कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा कट हो गया। चलिए इसे भी डिलीट कर देता हूँ और मैं ओपन करता हूँ बर्थडे बॉय का नाम। दोस्तों इसे मैंने PNG करके रखा हुआ है। दोस्तों ये किस तरह से मैंने एडिट किया है बर्थडे बॉय का नाम उसके लिए मैं दूसरी वीडियो आपके लिए तैयार कर दूंगा। उसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो इसकी मिल जाए। तो इसके पीछे मैं एक ब्रश लेकर इस तरह से मार देता हूँ ताकि जो हमारा बर्थडे बॉय का नेम है वो हमें दिख कर आए। और जो मराठी में जो टैग से सो डाले थे हम और इसे भी यहाँ पर नीचे अच्छी तरीके से ऐड कर देते हैं। ओके, और ये बर्थडे बॉय का पैर भी नहीं दिख रहा है इसके लिए हम इसे थोड़ा सा पीछे कर देते हैं ताकि हमारे जो बर्थडे बॉय है इनका फुल मॉडल जो है वो दिख कर आ जाए। बर्थडे बॉय को भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि जो उनकी फुल बॉडी जो है वो हमें नज़र आ सके। ओके, और इसे भी हम अच्छी तरीके से सेट कर देते हैं और इसे भी हम कट कर देते हैं और अब हम ओपन करते हैं ये एक टैग जो कि हमारे बैनर में थोड़ी इससे जान आ जाएगी। ये एक स्लोगन हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इसे स्क्रीन मोड में सेट करके इसे हम थोड़ा सेट कर देंगे और अब इसे हम सब्सट्रैक कर देते हैं ताकि ये जो है ब्लैक कलर में दिख कर आए। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें बैकग्राउंड पर ये दिख ना रहा है इसलिए हम एक एम्प्टी लेयर लेते हैं, ब्रश सिलेक्ट करते हैं, ब्रश सादे वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम इस कलर के अकॉर्डिंग पीछे एक फेदर मार देते हैं, मतलब कि ब्रश मार देते हैं वो भी फेदर में और इसकी थोड़ी एपोसिटी कम कर देते हैं और थोड़ा वाइट कलर हम इसमें फिल कर देते हैं ताकि जो हमारा बैकग्राउंड है वो अच्छे से हमें दिख कर आए। और अब हम ब्लैक कलर लेकर शैडो बना देते हैं ताकि जो हमारा चेयर पर बंदा बैठा है उसके पीछे थोड़ा शैडो दिख कर आए। तो चलिए हम इसे बड़ा कर देते हैं ताकि हमें ऐसा लगे कि जो हमारा मॉडल है वो यहाँ पर बैठा हुआ है और इसकी शैडो नीचे आ रही है थोड़ा 3D लुक के लिए। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं आने वाले टाइम में एक से एक वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो कुछ हम इस तरह सेट कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको इस पे इफ़ेक्ट कैसे देते हैं, बैनर कैसे एडिट करते हैं अलग अलग वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे एक एक पॉइंट ज़रूर समझाऊंगा और बहुत जल्द दोस्तों मैं इसकी वीडियो PicsArt में भी आप कैसे एडिट कर सकते हो मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों हम क्या करते हैं एक लेंस लेते हैं और लेंस को यहाँ पर ऐड करते थे ताकि जो हमारे बर्थडे बॉय के पीछे थोड़ा एक लुक हमें नज़र आए। तो इसे हम स्क्रीन कर देते हैं और थोड़ा दोस्तों हम इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा रेड में ताकि बर्थडे बॉय के पीछे थोड़ा
और भी ज़्यादा लुक हमें नज़र आए। तो दोस्तों हमारा बैनर दे दिए और अब मैं इसे मर्ज कर लेता हूँ। ओके तो चलिए अब चलते हम कैमरा और फिल्टर में ताकि हम और भी थोड़े इंटरेस्टिंग लुक हमारे बैनर को दे सकें। तो चलिए थोड़ा मैं इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि हमें येलो टोन मिल सके, थोड़ी क्लैरिटी बढ़ा देता हूँ, थोड़ा डिहेंस और टेक्सचर को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और थोड़ा कॉन्ट्रेस्ट भी थोड़ा सा मैं इसे हाई लेवल पे कर देता हूँ और थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ ताकि लाइट फुल लाइट हमें इसमें दिख सके। वाइट टोन कम कर दिया मैंने और हाइलाइट भी मैं कम कर देता हूँ और शैडो ने दोस्तों चले मैं कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे सामने आ गए बैनर रेडी होकर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।